हेलो गाइस, आज के स्टूडियो पे हम बात करने वाले हैं आप फोटो से वीडियो कैसे बना सकते हैं म्यूज़िक के साथ में। तो आप सब में से बहुत आदमी कमेंट किए थे, सर मुझे आप बताइए मैं फ़ोटो से वीडियो कैसे बनाऊं म्यूज़िक के साथ में। तो आज के स्टूडियो पे हम यही बात करने वाले हैं। आप अपने पसंद से किसी भी म्यूज़िक को सेलेक्ट करके और आप अपने फ़ोटो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स का या फिर अपने फ़ोटो को सेलेक्ट करके आप वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ, आपको भी कर देना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर पे सर्च बार पे टाइप करना है फोटो प्लस म्यूज़िक टू वीडियो, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर पे आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो प्लस म्यूज़िक टू वीडियो, ठीक है। आप इसको सही से पहचान लीजिए, आपको इसी को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां से ओपन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहां से ओपन पे क्लिक कर देता हूं। ओपन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए कुछ इंटरफेस इस तरह से आ रहा है, ठीक है। आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां से नीचे पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है इस जगह पे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इमेज का कुछ सिंबल बना हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ, आपको भी कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस जगह पर क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड्स से देखिए आपके फ़ोन पे जितना सारा फ़ोटो रहेगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो और इस जगह पे दिखा रहा है फ्रेंड्स फ़ोटो का फाइल, ठीक है, इस जगह पे। और यहाँ पे आपका मतलब जिस फाइल पे जितना फ़ोटो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये मेरा ये जो पिक्सल लैब है, तो यहाँ पर इतना सारा फ़ोटो है। और उसके बाद इरेजर को ओपन करते हैं, तो देखिए कुछ इसमें भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल्बम पर मेरा एक गो फोटो है, तो मैं यहाँ से कोई एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहां से इस लड़की को हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। फिर से मैं दूसरा फाइल जाता हूं, तो मैं इसी तरह से कुछ फ़ोटो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहां से इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको भी कर लेता हूं, और हम इसको भी कर लेता हूं, ठीक है। तो उसके बाद और भी मैं यहां पे बहुत सारे फ़ोटो है फ्रेंड्स, मैं यहाँ से कोई और फ़ोटो को और भी मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम इसको भी कर लेते हैं सिलेक्ट, और इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अपना पसंद से यहाँ से आप अपना फ़ोटो या फिर अपने फ्रेंड्स का फ़ोटो जिस फाइल पे रहेगा आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां से ऊपर पे डन पे क्लिक कर देना है इस जगह पे। तो मैं यहां से डन पे क्लिक कर देता हूं। तो डन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए मेरा जितना सारा फ़ोटो है यहां पे आ चुका है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ से ऊपर पे ही डन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से ऊपर पे ही डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो डन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए ये मेरा वीडियो बन करके आ चुका है यहाँ पे, और इस पे पहले से कोई सॉन्ग मतलब लगा हुआ है। तो उसके बाद फ्रेंड्स अगर यहाँ पे नीचे से अगर आप चाहें तो आप यहाँ से अपने मतलब वीडियो पे इफेक्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट हैं, अपने पसंद से कोई भी इफेक्ट को आप लगा सकते हैं अपने वीडियो पे। तो चलिए मैं पहले वाले ही इफेक्ट पे रहने देता हूँ, इस पे ही। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप अपना पसंद से कोई भी सॉन्ग को आप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस जगह पे क्लिक कर देना है प्लस पे म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे। तो इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके फ़ोन पे जितना सारा सॉन्ग रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप अपना पसंद से यहाँ से कोई भी सॉन्ग को सेलेक्ट करके आप अपने वीडियो पे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दिल ने ये कहा है दिल से, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पर आ चुका है। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ से चाहूँ तो इसको सॉन्ग को मतलब जितना सारा म्यूज़िक है इसको कट भी कर सकता हूँ। तो आप अपने पसंद से इस तरह से कट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अब थोड़ा सा बैक करके ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ उसको, ठीक है। तो मैं यहाँ से ले लिया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स डन पे क्लिक कर देना है। तो डन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए मेरा ये वीडियो यहाँ पे सेव हो चुका है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा देर के लिए सुना देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे वीडियो बन चुका है, आप अपने पसंद के शौक से बना सकते हैं। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मेरा कॉपीराइट आ जाएगा फ्रेंड्स इसलिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से ऊपर पे डन पे क्लिक कर देना है सेव करने के लिए। तो मैं यहाँ से ऊपर पे डन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तीर जैसा बना हुआ आ चुका है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आपका वीडियो सेव हो जाएगा गैलरी पे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।